व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स एंड हॉल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज आप लोग सोच रहे होंगे ये मास्क वास लगा के व्लॉग का स्टार्ट कर रही है, कहाँ जा रही है। तो अब मैं आप लोग को बता देती हूँ, आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन लेने के लिए। आज हम सब जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। हमारे घर से बस पापा को दोनों डोज लग चुके हैं, बाकी किसी ने भी वैक्सीन नहीं लिया है अभी तक, तो एक्सेप्ट शुभू। बाकी सब लोग जा रहे हैं, भैया, भाभी, मैं, मम्मी, सब कोई, क्योंकि शुभू अभी 18+ नहीं हुआ है। तो या मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा मेरा, यू नो, आफ्टर वैक्सीनेटिंग माई सेल्फ, और क्या मेरे बॉडी पे उसका रिएक्शन दिखता है, फीवर आता है कि नहीं आता है, बॉडी पेन होता है कि नहीं होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो या वीडियो को एंड तक देखना है, अगर पसंद आई तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वैक्सीन लिए हुए मुझे टोटल 9 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। थोड़ा अभी मुझे हल्का सा पैर दर्द शुरू हुआ है, मतलब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बट वो एग्जैक्टली नहीं पता किस वजह से, क्योंकि अभी आज दिन भर बहुत सारे काम थे, उसके लिए भी हो सकता है या वैक्सीन के लिए, आई डोंट नो। और ऑल्सो मैंने जिस हाथ में वैक्सीन लिया था, इस हैंड में मुझे वहाँ पर कोई पेन भी महसूस नहीं हो रहा है। सो करेंटली आई एम फिट एंड फाइन। अब देखते हैं आगे क्या होता है, रात को फीवर वगैरह आता है कि नहीं। और मैंने वैक्सीनेशन का कोई ब्लॉग नहीं किया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, वो सिचुएशन में ब्लॉग नहीं होता है। सो अभी मैं इसलिए सोची कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट नाउ टाइम हो रहा है 9:30 PM और अभी तक सब कोई ठीक है, किसी को ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और आगे होता है तो मैं ज़रूर 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 आप लोगों को बताऊंगी। एंड आई नो आई एम टू लेट फॉर दिस वीडियो, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग तो बनता है वैक्सीनेशन का, फ्यूचर में यू नो देखेंगे लोग, तो कम से कम पता तो चलेगा कि हाँ भाई, कोविड के लिए वैक्सीन भी लिया था हमने। ओके, जोक्स अपार्ट, तो या अभी के लिए मैं सोने चलती हूँ, अगर रात में कुछ हुआ तो बताऊँगी, अदरवाइज सुबह मिलते हैं। गाइज, इट्स 11 PM एंड मुझे फीवर चढ़ रहा है, मेरा बॉडी पेन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो लेट्स सी रात कैसे बीतेगा, आई डोंट नो। गाइज, इस टाइम पे मेरा काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन होने लगा था एंड साथ ही साथ मुझे फीवर भी बहुत चढ़ गया था, एंड ठंड तो इतना ज़्यादा लग रहा था कि देख सकते हैं मैंने कितना कुछ ओढ़ रखा है, मतलब घर के जितने सारे थे, मैंने बोला मम्मी को मुझे सारा ही ओढ़ा दो, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। ओके गाइज, सॉरी फॉर द क्वालिटी, एंड जस्ट नाउ आई हैड वन पैरासीटामॉल, क्योंकि अगर फीवर चढ़ रहा है तो मेरे को लगा कि बेटर होगा पैरासीटामॉल ले लेना, एंड देखते हैं सुबह क्या होता है। आई डोंट नो मैं कल लॉग इन भी कर पाऊँगी या नहीं, लेट्स सी क्या होता है, विल अपडेट यू जो भी होगा। कल तक गुड नाइट। ठीक है, इस मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज मुझे कल रात से बहुत ज़्यादा फीवर था, एंड सुबह उठते साथ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था, मेरा बॉडी पेन था। मैं उठी हूँ बहुत लेट, 11 बजे मैं उठी हूँ, एंड मैंने 12 बजे करीब लॉगिन किया, और आज मैंने हाफ डे लिया क्योंकि मेरा पेशेंस नहीं था ऐसे बैठ करके काम करने का, इसलिए पीछे सिस्टम बंद पड़े हुए हैं। और फीवर अभी तक भी है, मेरा आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा मेरे को इफ़ेक्ट किया है कोविड वैक्सीन, बट कोई नहीं, इट्स ओके। और आज रात तक मुझे बेटर फील हो जाए। मैंने क्विक शावर ले लिया था सुबह में, एंड आज मैं फिर से पैरासीटामॉल लेने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मेरे भाई ने कहा कि तुझे वैक्सीनेशन सेंटर का थोड़ा बहुत शूट कर लेना चाहिए था। आई नो मुझे शूट कर लेना चाहिए था, बट मैं नहीं कर पाई, सो शायद ये ब्लॉग आपको इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगेगा, बट इट्स ओके, मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ब्लॉग बनाया था। सो या यही अपडेट है, एंड मैं ये व्लॉग को अभी एंड कर दे रही हूँ क्योंकि मेरा और पेशेंस नहीं है इसको खींचने का, ऑलरेडी 2 दिन से चल रहा है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस
ब्लॉग एंड या डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय. मिलती हूँ मैं फिर एक अच्छे से मज़ेदार व्लॉग में बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ. और इतने लो एनर्जी में मैंने कभी अपना व्लॉग एंड नहीं किया था, बट आज करना पड़ रहा है मुझे. सो गाइज, अभी शाम हो गई है बट मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी. सो मैंने सोचा कि मैं क्लिप शूट करती हूँ. जो भी है मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया कोविड वैक्सीनेशन का. बट मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया, प्लीज़ गो टेक योर जैब, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना. और कोरोना को हम तभी बीट कर पाएंगे जब हम सभी वैक्सीनेटेड होंगे. सो प्लीज़ गो एंड टेक योर वैक्सीन और देर मत कीजिए.